जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बच्ची को इंसाफ दो, बच्ची को इंसाफ दो। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा शनिवार देर शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। सीमावर्ती गांव पिंडी चाड़क में निकले इस कैंडल मार्च में स्थानीय युवा भी शामिल रहे, जिसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। नाबालिग लड़की की आत्मा की शांति की दुआएं भी मांगी गई। पार्टी के राज्य अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले हाथरस कांड, उसके बाद निर्भया कांड और अब कुछ दिन पहले दिल्ली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कांड, इसका मतलब साफ है कि बनाए गए कानून में ज़रूर कमी है, जिससे इन दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। केंद्र सरकार व न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों पर सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि फिर से होने वाले ऐसे मामलों में डर पैदा किया जा सके। जी सर, हमने इसलिए किया रहे जो दिल्ली में घटी हुई घटना घटी है, जो रेप की घटना घटी है, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हमने कैंडल मार्च किया है। दो मिनट के लिए मौन व्रत रखा है। इसलिए जो भी हम ये मांग करते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, सरकार इसके लिए सख्त के सख्त कानून बनाए। जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग अठावले साहब से अपील करते हैं, जो दर्दनाक कार्य उस बच्ची के साथ, 9 साल की गुड़िया के साथ हुआ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जैसे निर्भया, हाथरस या ये दिल्ली में गुड़िया के साथ जो निंदनीय कार्य हुआ, ये मतलब दोबारा ये चीज़ें ना दोहराई जाएं। सरकार को इसके लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाना चाहिए। हम ये भी अपील करते हैं अठावले साहब से। देखिए, इसमें अगर सरकार कोई अच्छा ठोस कानून बनाए इसके ऊपर, तो उससे ये है कि कम से कम कोई भी व्यक्ति ये दुष्कर्म करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसके खिलाफ कानून बनने चाहिए, जो कि लोग मतलब दोबारा से ऐसी हरकत करने के लिए 50 बार सोचें और सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। यह मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से।